दूसरा इसमें चैलेंज ऐसा होता है, नेवला जो होता है उसका खतरा होता है। अच्छा। अगर कहीं आपका शेड सील नहीं है तो नेवला अंदर आके 100-150 कभी कभी चूजे वो खा के चला जाता है। हाँ, तो एक साल में सर लगभग कितने साइकिल होते हैं इसमें, कंपनी से लगभग कितना पैसा आता है एवरेज, और मरते हैं तो उसका कितना पैसा कट होता है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम मलद नाम से एक छोटा गांव है वहाँ पे आज हम आए हैं मिस्टर दत्तात्रेय लक्ष्मण क्षीरसागर, इनके पास। ये यहाँ के एक बड़े किसान हैं और इनके इनके फॉर्म का नाम है सिद्धिविनायक कृषि फार्म, और उसमें ये पोल्ट्री फार्म भी चलाते हैं। तो दोस्तों आज हम सर से जानेंगे कि कैसे आप पोल्ट्री फार्म का काम कर सकते हैं, कम से कम जगह में कैसे ये काम करना चाहिए, पोल्ट्री फार्म बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू हमारे इस वीडियो में। सर हमारे जो देश के जो किसान हैं, किसान भाई, ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे या पोल्ट्री फार्म कैसे चलता है, तो थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे इस खेती के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम राहुल दत्तात्रेय क्षीरसागर है, मैं 40 साल का हूँ और मैं साउथ अफ्रीका में जॉब करता हूँ। 2 साल पहले हमने डिसाइड किया कि पुणे से थोड़ा दूर आके कहीं फार्मिंग की जाए। अभी आपने सर ये जो पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, ये लगभग कितनी जगह में आपने पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है? अभी जिस शेड में हम बैठे हैं उसका टोटल कैपेसिटी, मतलब इसका लेंथ है 160x26, तो यहाँ पे आप 4000-5000 के बीच में आप बर्ड्स यहाँ पे रेस कर सकते हो। तो ये 4160 स्क्वायर फीट में आपने, इसमें कितने चूसे बैठ सकते हैं? 4000-5000 तक आप यहाँ पे चूसे डाल सकते हो। अच्छा, मतलब लगभग एक स्क्वायर फीट में एक चूसा, हाँ जी, आता है। यस, अभी सर ये जो चूजे हैं ये आप मतलब कहाँ से लाते हैं और ये क्या खरीद के लाना पड़ता है? इसका ऐसा होता है कि पोल्ट्री में ऐसा है कि यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में 10-12 लीडिंग पोल्ट्री कंपनीज है। अच्छा। जो फीड सप्लाई करती है और उसके साथ वो चूजे भी सप्लाई करती है। तो ये कंपनी क्या करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, मतलब उनके लिए चूजे रेस करना वो पॉसिबल नहीं, तो वो रेस करने के लिए चूजे मतलब उनको बढ़ाने का वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और वो फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बड़े करके चूजे उनको फिर से रिटर्न दे देते हैं। बराबर। तो उसके बदले में वो क्या करते हैं कि आपको चूजे देते, उनका फीड देते, उनका मेडिसिन देते, मेडिकल सपोर्ट मतलब डॉक्टर का विजिट वो आपको प्रोवाइड करते, इतना आपको सब कुछ वो देते, आपको बस चूज़ों को बड़ा करना होता है और वो बड़े बड़े चूजे उनको फिर से रिटर्न करने होते हैं। बराबर। तो ऐसे चूजे लेने के लिए सबसे पहले अपने को लगभग 5000-4000 स्क्वायर फीट का शेड बनाना पड़ेगा। राइट। बराबर। यस। तो सर ये शेड बनाने में लगभग कितना खर्चा आता है? ये जो शेड अभी जिसमें हम बैठे हैं, अगर किसी किसान को ऐसा शेड बनाना है इस साइज का, तो उसको 8-10 लाख की लागत इसमें लगानी पड़ेगी। तो 8-10 लाख में 5000 मुर्गियों का सेटअप हो जाता है। हाँ। किस प्रकार के वातावरण या फिर किस प्रकार के एरिया में पोल्ट्री फार्म अच्छे से चल सकता है? पोल्ट्री के लिए, चूजों के लिए ऐसा होता है कि जब वो आते हैं चूजे हैचरी से, जब वो निकल के आते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उसी दिन वो अंडे से बाहर आते और कंपनी आपको सप्लाई करती है। अच्छा। तो चूजे जब तक 15 दिन के नहीं होते, तो उनको थोड़ा हीट की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा वार्म वेदर लगता है। अच्छा। ताकि उनकी मोर्टेलिटी कम हो, तो शुरू के 15 दिन आपको थोड़ा पोल्ट्री के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए आपको क्या करना होता है कि पोल्ट्री का एक हिस्सा आपको क्लोज करना होता है, चारों तरफ से उसको आपको क्लोज करना होता है जस्ट लाइक टेंट, और उसमें आपको वो चूज़े रखने पड़ते, और चूज़े रखने के बाद आपको अंदर इलेक्ट्रिसिटी से मतलब आपको बल्ब लगाने पड़ते, उससे आपको हीट जनरेट करनी पड़ती है, और वो हीट अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए ताकि वो ठंड से चूज़े मरे ना। बराबर। तो ये पोल्ट्री फार्म जो है जहाँ पे थोड़ा सा गर्म वेदर रहेगा तो वही उसके लिए अच्छा रहता है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, गर्मी में अगर बाहर का जो वेदर है वो गर्मी है
तो गर्मी थोड़ी सी पोल्ट्री बिजनेस के लिए अच्छी नहीं अच्छी होती। नहीं होती। अच्छा, गर्मी में थोड़ा बिजनेस ये मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है उसमें। अच्छा, मतलब ज़्यादा मरते हैं गर्मी में। बहुत से फार्मर उसे कूलिंग करके एयर एसी शेड बना सकते तो हैं। काफ़ी फार्मर अच्छा। ने क्या किया है कि इसमें फार्म के अंदर एयर कंडीशन लगाए ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। अच्छा, वैसा कर सकते। सिंपल है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए। बराबर। अगर ज़्यादा ठंडी होती है तो आप वेदर को गर्म करो, गर्म करो। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप उसको ठंडा करो। और ये 42 डेज का साइकिल है। अच्छा, मतलब अगर आज अगर वो चूज़े देते हैं तो 42 डेज के बाद वो फिर से आएंगे अपने चूज़े लेने के लिए। अच्छा, मतलब बड़ी चिकन लेने के लिए आएंगे। देते चूज़े हैं और लेके चिकन जाते हैं वो। तो 42 डेज के बाद वो आते हैं और जो आपके चिकन है उसका वेट करके वो लेके जाते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि इस बिजनेस में जो कॉस्ट होती है वो फीड की कॉस्ट होती है। अच्छा, तो उसका उनका उनका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि कितना फीड खा के वो चूज़ा बड़ा हुआ है, तो उसको गिना जाता है FCR में, मतलब फूड कंजम्पशन रेशियो। अच्छा, एक एक चिकन पूरा चिकन बनने के लिए उसने कितना खाद खाया है और वो बड़ा बना है, तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बेसिस पे वो फार्मर को पैसे देते हैं। इसमें से कुछ अगर बैलेंस फीड है तो मतलब इन्होंने कम खाद में चूज़ों का अच्छा ख्याल रख के इन्होंने चूज़े बड़े किए, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में चला जाता है आपका। बराबर। इसमें और एक चीज़ होती है कि आपकी मॉर्टेलिटी होती है, मतलब सारे चूज़े हेल्दी नहीं होते, कुछ चूज़े उसमें वीक भी होते तो मर जाते। जैसे शुरू के 15 दिन हमारे साथ हमारे मैनेजर है मिस्टर तनपुरे, तो ये शुरू जब चूज़े आते हैं उस दिन से लेके 15 दिन तक आपको सोना अलाउड नहीं होता है, आप सो नहीं सकते हो। अच्छा। क्योंकि चूज़े इतने डेलिकेट होते हैं, आपको उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो उनको मतलब एक जगह पे वो आप खड़े नहीं हो सकते, आपको उनको हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है। अच्छा। तो उनके साथ आपको पोल्ट्री में शेड में टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जब उनका सुपरवाइज़र आता है, जब मेडिकल वो ऑफिसर आता है, आपको उनको बताना पड़ता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर वो भी आपको कुछ सजेशंस देते हैं कि ये मेडिसिन आप दे दो, ये वैक्सीनेशन आप लगाओ, इससे मॉर्टेलिटी आपकी कम हो जाती है। क्योंकि शुरू में ही मॉर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद जैसे चूज़े एक बार सर्वाइव कर गए तो फिर वो 42 जैसे दिन होते हैं उनके, वो पूरे वो कवर करते हैं। जैसे कि आप पीछे देखोगे तो ये चूज़े 10 दिन के चूज़े हैं, ये 10 दिन पहले आए थे। तो शुरू में थोड़ी होती है मॉर्टेलिटी, क्योंकि अभी रात में यहाँ पे कोल्ड वेदर है और दिन में हॉट वेदर है, तो ये वेदर के फ्लक्चुएशन की वजह से चूज़े थोड़े से मॉर्टेलिटी होती है। बट अभी ये चूज़े सारे सर्वाइव हो रहे हैं और इनका जो वेट कंपनी एक्सपेक्ट करती है उससे भी ज़्यादा ये अच्छा गेन कर रहे हैं वेट। बराबर। तो ये मतलब आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हो इसके ऊपर ये होता है। मतलब तो आपको इसमें 5,000 चूज़े दिए और उसके साथ में खाद कितना देते फिर वो 5,000 चूज़े? अच्छा। इसमें क्या होता है, स्टार्टर होता है। अच्छा, स्टार्टर फिर फिनिशर। ऐसा नहीं कि एक ही खाद आपको 42 डेज तक उनको देना है। अच्छा। तो अलग अलग स्टेज के अलग अलग खाद उसमें होते हैं। अच्छा। तो अभी उन्होंने जो दिया है हमें वो स्टार्टर दिया है। स्टार्टर तो ये मतलब 10 से 15 दिन तक आपको ये देना है, तो वो मतलब इसमें थोड़े से विटामिन होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए। फिर उसके बाद स्मॉल स्मॉल रहते हैं उसके पीसेस, स्मॉल रहते हैं। उसके बाद जो रहते हैं उसमें थोड़ा प्रोटीन होता है ताकि वो वेट गेन कर पाए। मतलब जैसे होटल में स्टार्टर होते हैं वैसे इनका स्टार्टर होता है। फिर उसके बाद दूसरा खाना आता है, तीन बार आता है और लास्ट को फिनिशर आता है। और इसमें जैसा आपने बताया कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में कुछ पैसे देने पड़ते हैं कंपनी को? नहीं, आपको कोई पैसे नहीं देने होते। उसका ऐसा होता है कि जिस कंपनी के साथ आपको काम करना है आपको उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव को जाके मिलना होता है, उनको बताना होता है कि हमारे ये शेड है, इतनी कैपेसिटी है, तो क्या आप हमें चूज़े दे सकते हो? तो फिर वो उनका एक एग्जीक्यूटिव भेजते हैं आपके शेड पे, आपके शेड का पूरा इंस्पेक्शन करते हैं। अगर उनको लगता है कि इनका शेड हमारे पैरामीटर्स को पूरा करता है तो वो आपको फिर से बुला के आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। एक बार अपन ने शेड बनाया तो वैसा अपने को कोई खर्चा नहीं है फिर उसके बाद, क्या इन चूज़ों के पैसे देने पड़ते अपने को? नहीं, जैसे शेड आपने बनाया, आपका फैसिलिटी रेडी है, तो चूज़े आने से पहले, जैसे ये अभी आप देख रहे हो ये ज़मीन है, तो चूज़ों को आप ज़मीन पे नहीं छोड़ सकते हो। इसके लिए आपको ये चावल का तूस पहले उस पर बिछाना पड़ता है। तो ये चावल का तूस मतलब चूज़ों की गद्दी हो गई। गद्दी हो गई।
तो आपको ये टूस खरीदना पड़ता है। अच्छा। इस वीडियो के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जो मतलब ये पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, ये जो मैंने आपको कहा कि इसके लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये का वो लगता है, टूस लगता है, तो फार्मर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। भले उनको ये 20 से 25 हज़ार रुपये का टूस लगेगा, बट जब आपका 42 डेज का साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यही टूस आपका फर्टिलाइजर मतलब आपका खत बन के यही आपके फार्म में चला जाता है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे 42 डेज खत्म होने होते हैं तो आजू बाजू के फार्मर आपको आके बोलेंगे कि ये जो टूस है आप हमें दे दो। अच्छा। तो वो खुद जमा करके उसको बैग में डाल के आपसे खरीद के लेके जाते हैं। अच्छा। मतलब अगर आपने 25,000 का टूस अगर लिया है तो जब आप उसको बेचोगे 40,000 का वो बिक जाएगा, क्योंकि वो जब आप बेचते हो तो वो टूस नहीं होता है, वो आपका फर्टिलाइजर। और इसमें अभी जैसा कुछ चूजे जो मर जाते हैं तो क्या वो उसका पैसा आखिर में काट दिया जाता है? हाँ, उसका पैसा वो काट लेते हैं, क्योंकि जो भी आपको देते हैं कंपनी उसका सारा अकाउंट होता है। अच्छा। आपको कितने चूजे दिए, कितना फीड दिया, कितने मेडिसिंस दिए, सारी कॉस्ट वो लोग कैलकुलेट करते हैं। और उसमें कैसा होता है कि 5% की मॉर्टेलिटी अलाउड होती है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर आपको 1,000 चूजे वो देते हैं तो 50 चूजे मर भी जाते तो ये आपके प्रॉफिट से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। वो नेचुरल में वो लोग उसको माइनस कर देते हैं। नेचुरल मॉर्टेलिटी होती है, होती है। तो पोल्ट्री फार्म में क्या क्या चुनौतियाँ रहती है? इस चुनौतियाँ मतलब इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इनकी मॉर्टेलिटी। अच्छा। जब आपको आप कंपनी से बर्ड्स लेते हैं तो वो बर्ड्स मरने नहीं चाहिए, तो टेम्परेचर आपको बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। दूसरा इसमें एक चुनौती होती है कि आपको स्किल्ड लेबर इसमें मिलना बहुत ज़रूरी है। जो भी ये काम करना चाहता है आपको सबसे पहले एक तो खुद आप इसके बारे में पहले सीखे और फिर शुरू करें, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल्ड लेबर है आप पहले उनको रखें और फिर उसके बाद आप इसको करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन एक इश्यू रहता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के लिए बाहर का कोई भी पर्सन दूसरे शेड से यहाँ पर नहीं आ सकता है। उसको आने के लिए हमने उसका प्रबंध किया है, एक बाहर ऐसा एक बकेट रखा है उसमें पानी और उसमें जो एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं वहाँ पर डाल दिए, वो पाँव धो के अंदर आ सकता है। बराबर। डायरेक्ट दूसरे शेड से हमारे शेड पर नहीं आ सकता है, वहाँ का जो इन्फेक्शन यहाँ पर हो सकता है। बराबर। बहुत बड़ी चुनौती है वो। बराबर। और जैसे 5,000 का शेड चराने के लिए कितने लोग चाहिए? एक आदमी कर सकता है ये पूरा? हाँ, एक आदमी कर सकता है। 5,000 का अगर कैपेसिटी का आपका शेड है तो एक आदमी कर सकता है। एक आदमी पूरा। और इनको कितना तनख्वाह देना पड़ता है? इनको एक्चुअली डिपेंड होता है कि 25 लॉट आपका कैसे कैसे निकलता है। करीबन 15 to 20,000 रुपये दो जनों के, एक जन का? हाँ, एक जन का। हाँ, एक दो जन कर जाते हैं उसमें। अच्छा। रहना और सब इधर ही होता है? हाँ, वो फैसिलिटीज आपको देना पड़ता है उनके। सर, इस शेड में किस किस किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको लाइट ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करना होता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि काफ़ी सारे डिसीज वाटर से स्प्रेड होते हैं। तो दूसरा इसमें चैलेंज ऐसा होता है कि अगर आपका खेत कई ऑड साइज साइड में है तो आपको नेवला जो होता है उसका खतरा होता है। अच्छा। अगर कई आपका शेड सील नहीं है तो नेवला अंदर आके 100 या 150 कभी कभी चूजे वो खा के चला जाता है। हाँ, हाँ। लास्ट टाइम हमारा हुआ था ऐसे, एक होल था उसके अंदर से नेवला अंदर आया और वो 100-150 चूजे एक रात में खा के चला गए। अच्छा। तो ये जो सारा लॉस है ये अपना लॉस है। तो इसलिए जब भी आप चूजे लेते हो आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको आपका आपका शेड सारा सील्ड है, अंदर कोई जगह नहीं है नेवला आने के लिए या फिर कोई भी एनिमल आने के लिए। सांप वगैरह भी मारते हैं? नॉर्मली नेवला ही आता है अंदर, सांप नहीं आता है, नेवला ही अंदर आता है। और नेवला एट अ टाइम 100-150 खा के जाता है वो, तो वो ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो बस उनका खून चूस के वो करता है, खाता मतलब खाता है, मार देता है, चूसता है, ब्लड खाली ब्लड चूस के वो चूस के जाता है, चूजे मर जाते हैं। और इसमें फिर कंपनी क्वांटिटी में नहीं है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा केयरलेसनेस है वो। तो एक साल में सर लगभग कितने साइकिल होते हैं इसके? 42 डेज का एक साइकिल होता है इसमें, पाँच तो पाँच पाँच छः छः साइकिल होते हैं इसमें। छः साइकिल मतलब
ऐसा होता है कि गर्मियों में आप इसको जैसे अदर सीजन में करते हो उतना आप गर्मियों में नहीं कर सकते हो इसको। अच्छा, तो मेरा सजेशन है फार्मर्स को कि वो छः लॉट करें साल में। अच्छा, और उसमें उनको अच्छी लागत हो सकती है। तो गर्मी के एक आध महीना, एक दो महीना अगर रुक जाएंगे तो भी चल सकते हैं। चल सकते हैं। फिर भी सर इसमें अभी जैसे 42 दिन के बाद इसमें कंपनी से लगभग कितना पैसा आता है एवरेज, और मरते हैं तो उसका कितना पैसा कट होता है? इसमें ऐसा होता है कि 42 डेज के बाद कंपनी आपका आपके शेड पे आती है, आपका जो चिकन है उसका वेट करती है, सभी सारे चिकन आपके वेट करके वो लोग लिफ्टिंग करते हैं। अच्छा, एक एक चिकन आपको वेट करेंगे आपके सामने, उसको नोट डाउन करेंगे और फिर वो लिफ्टिंग करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट टाइम ये रेट, हाँ, रेट, तो रेट उस वक्त का चल रहा है उसके हिसाब। अच्छा, से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपने 8 से 9 हज़ार चीज़ों का अगर आप फार्मिंग करते हो तो 42 डेज के बाद आपको 1.5 लाख से 1.75 लाख की आमदनी हो सकती है। तो लगभग 8-9 हज़ार चीज़ों का अगर फार्म है तो 42 दिन में 1.5 लाख से 1.75 लाख रुपए तक कमाई हो जाती है। फिर 5% मोर्टेडी होगी, तो अगर सिर्फ 5% मोर्टेलिटी होती है तो, हाँ, अगर मोर्टेलिटी आपकी ज़्यादा होती है तो ये आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। बराबर, तो इसमें जैसे अगर 5 साइकिल करता है आदमी तो साल के 8-9 हज़ार का अगर फार्म है तो 5-6 लाख रुपए तो आराम से कमा सकते हैं। 7 लाख तक भी वो कमा सकता है। साल में 7 लाख वो कमा सकता है। बराबर, पर सर अभी इसका भी रेट थोड़ा सा कम ज़्यादा जैसा आपने बताया, हाँ, कि होता रहता है, हाँ, तो इसका बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता, जैसे प्याज का रेट हो गया इतना कम होता है कि फेंक देना पड़ता है, तो वैसा हाँ, इसका नहीं, इतना नहीं इतना नहीं होता है। फार्मर का वो लॉस नहीं करते, नहीं करते। फिर भी रेंज क्या है अभी इसका, मार्केट का रेंज क्या है अभी इसका? अभी तो रेंज 80 रुपये किलो इसका प्राइस अभी है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक जाता है ये? ज़्यादा से ज़्यादा 150 के आगे भी गया था। अच्छा, मतलब 80 रुपये से 150 रुपये तक रेट रहता है। इसमें इस बिजनेस में काफ़ी स्कोप है, अगर आप अपनी मेहनत लगाते हो, अगर आप आपका नॉलेज उसमें लगाते हो तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा पैसा। और केयरफुली हर स्टार्ट टू फिनिश केयरफुली करेंगे तो आपको मैक्सिमम उसका मुनाफा हो सकता है। जैसे चूजे आते हैं, एक दिन का जो बच्चा आता है तो आप क्या, मतलब आप उनको क्या करते हैं सबसे पहले, वो क्या कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए? पानी देने जो लगता है, अच्छा, जो दवाई लगती है वो टाइम पे देना, गुड़ का पानी रहता है, अच्छा, पहले वो देना पड़ रहा, वो नहीं रहेगा तो ग्लूकोज पाउडर मिलता है वो देना। अच्छा, इनके लिए सबसे अच्छा वातावरण वगैरह कौन सा रहता है टाइम? वातावरण बोले तो ठंडी में अच्छा रहता है, सिर्फ तकलीफ होता है 10-12 दिन वो हीट देने के लिए, अच्छा, वो अच्छा रहता है। बराबर, और धूप के टाइम में क्या होता है, धूप ज़्यादा रहेगा तो ऊपर से वो स्प्रिंकलर लगाना पड़ता है, पानी छोड़ना पड़ता है, मतलब ये से टाइप करना पड़ता है। बराबर, तो अच्छा मेंटेन होता है। अच्छा मेंटेन होता है। पहले 10 से 12 दिन जो रहते हैं ना, जो रात में जब वो इकट्ठा बैठते तो उनको हिलाना पड़ता है, वो कुछ बजाते दोनों जन, दो बाजू खड़खड़ खड़खड़, ये रात भर सो नहीं पाते, दिन को 2-3 घंटे सोएंगे और वो भी उनको बहुत उनको केयर टेक करना पड़ता है। इसको इतना ऐसा गया एक्टिव क्यों रखना पड़ता है, क्यों ऐसा बजाना पड़ता है? घूटने के लिए, मतलब बजाएगा तो आवाज से खड़ा होके घूमेगा इधर और खाएगा, और नहीं नहीं घूमा तो क्या होता है, तो खाएगा नहीं पिएगा नहीं की जगह। अच्छा अच्छा, उनका वजन बढ़ने के लिए। अच्छा, बिल्ली भी आती है? बिल्ली एक बार अंदर अगर घुसेगा तो 3-4 सौ मार के जाएगा। अच्छा, लेकिन मार के जाएगा। अच्छा, बिल्ली भी इसको मारती है? तो बिल्ली नेवला इसलिए इसमें अगर आप देखोगे तो जाली से सारा कवर किया हुआ है। बराबर, हाँ, और दरवाजे भी हमेशा लॉक रहते हैं। इसमें थोड़ा भी होल रहेगा, उसके अंदर से आएगा तो वो नुकसान कर लेगा। बराबर, तो वो संभालना पड़ता है। नेवला बिल्ली इनसे, उसको कुत्ते का भी रहता है? कुत्ता आएगा तो खाएगा, धो खाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा। नेवला आएगा ना 400-500 खाके, और कुत्ता आएगा तो आपको दिख भी जाएगा, बट ये अगर नेवला और अगर बिल्ली आएगी ना तो वो कई कॉर्नर से वो खाके। अभी ये लगभग कितने दिन के चूजे है? ये 10 से 12 दिन के चूजे है। 10 से 12 दिन के चूजे है। 10 दिन के अंदर थोड़ा जो वीक रहता है वो मरते मरते वो बराबर हो जाता है, कम हो जाता है, 1-2, 8 हज़ार के अंदर 1-2 मरते रहते, क्योंकि बड़ा होने के बाद भी मरता है अटैक आने से। अच्छा, अटैक भी आ सकता है धूप की वजह से, इनको भी अटैक आता है? अटैक आता है। क्या कारण से अटैक आता है? और जैसे कि गर्म होता है, गर्म में ज़्यादा खाएगा अटकता है। अच्छा,
बराबर। और इनको बोरवेल का पानी चलता है? बोरवेल का पानी चलता है, चलता है हाँ, और वेल का भी पानी चलता है, लेकिन उसकी ये देखकर दोनों का कंपैरिजन करके मैक्सिमम कौन सा पानी इज बेटर वो चूज कर सकते हो। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सर्कल लगे हुए हैं और इसके अंदर हमने न्यूज़पेपर स्प्रेड किए, तो ये प्री अराइवल आपको करना होता है और इसमें चूजे हम इसमें उसको रखेंगे। तो एक सर्कल में हमने 4 लाइट बल्ब लगाए 200 वाट के, मतलब 800 वाट का अंदर आपको हीट मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है कि एक चूजे को 2 वाट का लाइट मिलना चाहिए। अच्छा। मतलब आप एक सर्कल में जैसे 800 वाट है तो आप इसमें 400 आप चूजे इसमें छोड़ सकते हो। तो अभी अभी शाम में 2-3 घंटे में चूजे हमारे आने वाले, तो इन्होंने सारा अरेंजमेंट यहाँ पे करके रखा है। अभी ये न्यूज़पेपर क्यों डालते हैं इसमें, तो चूजे जो होते हैं तो वो डेलिकेट होते हैं, उनके पैर भी डेलिकेट होते हैं और ये जो टूस है वो उनके पैरों में चुभता है, इसलिए न्यूज़पेपर हम स्प्रेड किया है। और इसमें हम फीड जो है पेपर पे ही डालेंगे, तो इसके बाद जब चूजे बड़े होते तो हम ये सर्कल निकालते और उनको खुला छोड़ देते जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा। तो सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर। थैंक यू।